दोस्तों, आज के वीडियो में बात करेंगे कि हम डेटाबेस क्रिएट कैसे करते हैं, उसको रीनेम कैसे करते हैं, और डेटाबेस को आपको सेलेक्ट करना है तो कैसे कर सकते हैं, और किसी डेटाबेस को डिलीट या ड्रॉप करना है तो हम कैसे कर सकते हैं। क्योंकि जब भी हम एसक्यूएल सर्वर की बात करते हैं, जब भी हम किसी भी एसक्यूएल लैंग्वेज की बात करते हैं, तो जो सबसे पहला स्टेप होता है वो होता है क्रिएट डेटाबेस। क्योंकि जो भी आपका डेटा है वो डेटाबेस में ही स्टोर होता है। अगर डेटाबेस आपने क्रिएट नहीं किया है तो कोई जगह नहीं है कि जहां आप डेटा को स्टोर कर सकें। तो डेटाबेस में या एसक्यूएल क्वेरी के साथ काम करने का जो सबसे पहला स्टेप है वो होता है डेटाबेस क्रिएशन। तो डेटाबेस कैसे क्रिएट करते हैं, देखिए, डेटाबेस क्रिएट करने के दो मेथड होते हैं, या तो आप विजार्ड के थ्रू क्रिएट कीजिए या तो क्वेरी के थ्रू। तो मेरा मेन फोकस रहेगा क्वेरी के थ्रू, क्योंकि ये बहुत कम टाइम लगता है और इजीली आपका डेटाबेस क्रिएट हो जाता है। तो जो डेटाबेस क्रिएट करने का जो सिंटेक्स होता है वो होता है क्रिएट डेटाबेस और डेटाबेस नेम। सिंपल एक लाइन का क्यूरी है और उसमें जो कमांड यूज होता है वो होता है क्रिएट कमांड। तो मींस अगर आपको डेटाबेस क्रिएट करना है तो क्या लिखना है, क्रिएट डेटाबेस और डेटाबेस का नाम। तो सपोज यहाँ पे मुझे डेटाबेस क्रिएट करना है तो मैं लिखूँगा क्रिएट डेटाबेस, और जो भी डेटाबेस का नाम आप रखना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए हमने रख दिया टेस्ट डेटा। ओके, अब इसको आप एग्जीक्यूट करेंगे तो ये क्या होगा, नीचे एक मैसेज आएगा और आपका डेटाबेस क्रिएट हो जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली, मीन्स आपका डेटाबेस क्रिएट हो चुका है। और कोशिश करनी चाहिए कि ये जो हमारा डेटाबेस है, सर डेटाबेस की जो लेंथ है वो 148 करेक्टर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ओके, तो ये हो गया। अब देखिए हम इसको एक्सपेंड करते हैं, तो यहाँ पर देख सकते हैं टेस्ट डेटा, डेटाबेस आपका क्रिएट हो चुका है। तो इस तरह से हम डेटाबेस क्रिएट करते हैं। अब देखिए, अब मान लीजिए कि आपने 5 या 6 डेटाबेस बना रखा है, ओके, और आपको काम करना है। तो देखिए एक तरीका यहाँ पे है कि सारे डेटाबेस की लिस्ट आपके पास यहाँ से दिखेगी, यहाँ तो यहाँ से आप सेलेक्ट कर लीजिए कि मुझे इस डेटाबेस पे काम करना है। जिस भी डेटाबेस में आप काम करना चाहते हैं उसको यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है कि यहाँ पर लिखिए यूज और उस डेटाबेस का नाम जिस डेटाबेस में आप काम करना चाहते हैं, टेस्ट डेटा। इससे क्या होगा कि जब भी आप क्यूरी रन करेंगे तो इसको भी हमें सिलेक्ट करना पड़ेगा, ताकि ये पता चल सके सिस्टम को कि हम इस पर्टिकुलर डेटाबेस के लिए इस क्यूरी को लिख रहे हैं। या तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे डेटाबेस को सिलेक्ट कर लीजिए तो बार बार आपको यूज लिखना नहीं पड़ेगा। तो बेसिकली जो यूज कमांड यूज़ किया जाता है वो डेटाबेस को सेलेक्ट करने के लिए, मीन्स अगर किसी स्पेसिफिक डेटाबेस के साथ आपको काम करना है तो कर सकते हैं। इसका जो कमांड होता है यूज, और यहाँ पे आता है डेटाबेस का नाम, जो भी डेटाबेस है। तो ये हो गया आपका। अब बात करते हैं डेटाबेस को रिनेम करने के। मान लीजिए आपने कोई डेटाबेस का नाम रखा है, उसको आप रिनेम करना चाहते हैं, आपको लगता है कि नहीं ये नाम अच्छा नहीं है, चलो कोई और नाम कर देते हैं, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। तो उसके लिए बेसिकली दो चीज़ें होती हैं, एक हमारे पास अल्टर कमांड है, हम उससे कर सकते हैं, या तो एक स्टोर प्रोसीजर रन कर सकते हैं। तो जो पहला मेथड है वो होता है अल्टर डेटाबेस। अल्टर डेटाबेस जो डेटाबेस का नाम है जिसको हम चेंज करना चाहते हैं, ये हो गया हमारा डेटाबेस। उसके बाद जो हमें नाम मॉडिफाई करना है, मॉडिफाई नेम, जो नाम रखना चाहते हैं, हमने नाम रखा है इसका टेस्ट डेटा फाइनल सपोज। अब इसको हम रन करते हैं, तो यहाँ पर देखिए मैसेज आ गया, टेस्ट डेटा फाइनल हैज बीन सेट, मींस जो आपका डेटाबेस था
वो रिनेम हो चुका है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आ गया टेस्ट डेटा फाइनल। तो ये एक फर्स्ट मेथड है डेटाबेस को नाम को चेंज करने के लिए या रिनेम करने के लिए। क्या करना है, अल्टर डेटाबेस, पुराने डेटाबेस का नाम, मॉडिफाई नेम, न्यू डेटाबेस नेम। तो ये सिंपल तरीका है डेटाबेस के नेम को रिनेम करने का। दूसरा तरीका क्या है, ये एग्जीक्यूट स्टोर प्रोसीजर, इसमें आ जाएगा रिनेम, ये आ गया रिनेम डीबी मतलब डेटाबेस। और जो पुराना डेटाबेस का नाम है, सपोज हमें अब करना है टेस्ट डेटा फाइनल, इसको न्यू डेटाबेस नाम क्या देना है, टेस्ट डेटा। ओके, अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं। यहाँ आपका मैसेज आ गया है, इसको आप रिफ्रेश करते हैं तो जो हमारा डेटाबेस है, यहाँ देखिए टेस्ट डेटा आ गया। मीन्स ये दो मेथड हैं जिससे हम डेटाबेस को रिनेम कर सकते हैं। तो इस तरह से या तो आप अल्टर यूज कीजिए, अल्टर डेटाबेस, ओल्ड डेटाबेस नेम, मॉडिफाई नेम, न्यू डेटाबेस नेम, या सिंपल स्टोर प्रोसीजर आप यूज कर सकते हैं, एग्जीक्यूट एसपी अंडरस्कोर रिनेम डेटाबेस, ओल्ड डेटाबेस नेम एंड न्यू डेटाबेस नेम। तो ये तरीका है डेटाबेस नेम को रिनेम करने का। अब हम बात करते हैं डेटाबेस को ड्रॉप करने का, मीन्स डिलीट करने का। तो देखिए हमारे पास एक कमांड होता है ड्रॉप डेटाबेस, जिस भी डेटाबेस को आपको ड्रॉप करना है, और डेटाबेस का नाम सपोज टेस्ट डेटा, इसको हम अगर एग्जीक्यूट करते हैं, देखिए कैन नॉट ड्रॉप डेटाबेस बिकॉज इट इज इन करंटली इन यूज। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ से हम सेलेक्ट करते हैं, ओके, अब इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर सेलेक्टेड था इसलिए वो यूज में था, हमने इसको यूज से हटा दिया। अब यहाँ पर देख सकते हैं कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली। अब इसको हम रिफ्रेश करते हैं, तो यहाँ पर देख सकते हैं डेटाबेस आपका डिलीट हो चुका है। तो देखिए मैंने इस वीडियो में आपको बता दिया, पहला स्टेप बताया कि डेटाबेस हम क्रिएट कैसे करते हैं, जो कि हम देख चुके हैं, हमने बताया डेटाबेस। दूसरा हमने बताया रिनेम, अगर डेटाबेस को आपको रिनेम करना है तो आप कैसे कर सकते हैं, दो मेथड मैंने डिस्कस कर लिया। एक बताया था मैंने सेलेक्ट डेटाबेस, इसलिए बताया था कि मान लीजिए आपने 10-12 डेटाबेस क्रिएट कर रखा हो, किसी एक पर्टिकुलर को यूज करना है तो हम इसको यूज कमांड से कर सकते हैं। और फोर्थ बताया ड्रॉप डेटाबेस। तो आज के क्लास में इतना ही भी, बस इतना ही, क्योंकि आपने देख लिया है कि डेटाबेस को कैसे क्रिएट करना है, कैसे रिनेम करना है, कैसे सेलेक्ट करना है और कैसे ड्रॉप करना है। अब आगे हम पढ़ेंगे कि हम डेटाबेस में टेबल कैसे क्रिएट करते हैं, डाटा कैसे इंसर्ट करते हैं, डाटा कैसे अपडेट करते हैं। तो आपके बाद जितनी भी वीडियो आएंगी वो सारी क्यूरी बेस्ड होंगी, तो ध्यान से देखिएगा, कोई भी इशू है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो आज वीडियो में इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, थैंक यू।